Good evening friends, now we discuss UPSC Civil Service Mains 2017 ऐसे पेपर ओके सो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस करेंगे ओके तो यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस में देखिए दो ऐसे लिखना है ठीक है टू ऐसे चूज करो चूज करिए वन फ्रॉम ईच सेक्शन वन सेक्शन ए एंड बी वन ओके हजार एंड 1200 वर्ड ओके सेक्शन ए 125 मार्क्स वन एसे ओके यू कैन चूज हियर फोर एसे हैव ओके एंड सेक्शन बी हैव फोर एसे एंड यू चूज वन एसे ओके 1000 वर्ड्स और 1000 टू 1200 वर्ड ओके सो क्या 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 ऐसे आया था इस साल फर्स्ट फ्रेमिंग हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू बी ए सिक्योर सब्सटेंस फॉर मेजोरिटी ऑफ फ्रेमर्स ऑफ इंडिया फ्रेमर्स इन इंडिया फ्रेमिंग हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू बी फ्रेमर्स हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू बी सोर्स ऑफ सब्सटेंस फॉर मेजोरिटी ऑफ फ्रेमर्स इन इंडिया सेकेंड इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक मेजर्स ऑन फिजिकल टायर्स न्यू इकोनॉमिक मेजर के बारे में आप बोलिए जो फिजिकल टायर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स इन इंडिया फिजिकल टाइप सॉरी इम्पैक्ट क्या कर रहा है न्यू इकोनॉमिक मेजर में क्यों यूनियन एंड स्टेट्स में ओके क्या इम्पैक्ट चल रहा है थर्ड डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स क्या नेशंस का जो डेस्टिनी है क्या शेप्ड किया गया है क्लासरूम के अंदर वो लिखना है हैज द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लॉस्ट इट्स रिलीवेंस इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या नॉन अलाइन जो मूवमेंट है वो क्या लॉस्ट गया है इसका रिलीवेंस जो है लॉस्ट हो गया है मल्टीपोलर वर्ल्ड्स के अंदर इसका मैं आपको एक लिखना है ठीक है तो आप चूज कर सकते हैं और आप अगर देख रहे हैं तो आप एक कोई भी एक ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से ओके तो ठीक है यहाँ से लिख के आप यहाँ से इसको लिख के मेरा ईमेल के अंदर आप डाल सकते हैं ठीक है और सेकंड पार्ट में जो आया था सेक्शन बी 125 मार्क्स ओके तो फर्स्ट देखिए जॉय इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड ठीक है सेकंड जो है फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वोमेन इन इंडिया इज ए माइथ थर्ड इज वी मे ब्रेव ह्यूमन लॉ बट कैन नॉट रेसिस्ट नेचुरल लॉ था फोर सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली ए सेल्फिश मीडिया क्या ये बात सही है तो आपको लिखना है ठीक है तो क्या सोशल मीडिया एक सेल्फिश है मीडियम है तो इसके बारे में आपको लिखना है ठीक है उसके बाद 2016 का जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में हम देख लेते हैं सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन इफ डेवलपमेंट इज नॉट engendered okay it is engendered need bring greed if greed increases in spoil rate the first question dekhi if development is not endangered it is endangered to iske bare mein likhna hai second need bring greed if greed increases it spoils breed okay वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स इन फेडरल इंडिया ओके वाटर डिस्प्यूट के बारे में लिखना है बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है इनोवेशन इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर इनोवेशन की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए की डिटर्मिनेंट है सोशल वेलफेयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही अच्छा है ऐसे फोर नंबर का ओके
ये फोर नंबर ऐसे जो आप लिखेंगे बहुत अच्छे नंबर मार्क्स पाएंगे। अगर सेक्शन बी में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में लिखना है, माइथ एंड रियलिटी। एंड सेकंड देखिए, साइबर स्पेस एंड इंटरनेट ब्लेसिंग ऑफ कोर्स और कोर्स टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द लॉन्ग रन। साइबर स्पेस एंड इंटरनेट ब्लेस क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग ऑफ कोर्स टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन के इन द लॉन्ग रन लेके जाएगा। ओके, नियर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया, नियर जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है इंडिया में, एंड एनोमली और एन आउटकम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये भी बहुत अच्छा है। चार नंबर का देखिए, डिजिटल इकोनॉमी ए लेवलर और ए सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ओके, डिजिटल इक्वालिटी जो है वो क्या, लेवलर और ए सोर्स जो है इकोनॉमी का सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दिखाते हैं, इनइक्वालिटी डिजिटल इकोनॉमी दिखाते हैं। उसके बाद देखिए 2015 में जो आया था, 2015 में तो फर्स्ट क्वेश्चन, लेंडिंग हैंड्स टू समवन इज बेटर देन गिविंग डोल। लेंडिंग हैंड्स, ठीक है, लेंडिंग हैंड्स टू समवन इज बेटर देन गिविंग डोल। ओके, क्वेश्चन आपको लिखना है। सेकेंड, क्विक बट स्टडी विंस द रेस, क्विक बट स्टडी विंस द रेस। थर्ड, कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। ओके, कैरेक्टर जो है इंस्टीट्यूशन का रिफ्लेक्ट करे इसका लीडर को देख के। ओके, चार नंबर, एडुकेशन विदाउट वैल्यूज एज यूजफुल एज इट इज सीम्स रेदर टू मेक ए मैन मोर क्लियर क्लेवर डिवेल। ओके, बी, टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर। सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राइसिस फेस्ड इन इंडिया मोरल एंड इकोनॉमिक, मोरल और इकोनॉमिक। थर्ड, ड्रीम्स व्हिच शुड नॉट बी शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। फोर, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपको लिखना है, सो आप मेरा ईमेल आईडी में लिख सकते हैं। ओके, जो subhidaku@gmail.com, ओके, इसके अंदर, ओके, subhidaku@gmail.com, ओके, तो इसके यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी में आप सेंड कर सकते हैं, आपका अगर लिखना इच्छा है तो। थैंक यू।